नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज एटीन मैप आपके साथ विनय अग्निहोत्री आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ड्रॉप जोन के डायरेक्टर अनुज भटनागर सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज में थैंक यू ऐसे टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि आपने ड्रॉप जोन नाम की कंपनी आपने स्टैब्लिश कर दी भोपाल ने सो टर्निंग पॉइंट आई थिंक कोविड सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बहुत लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत लोगों के जॉब्स गए हैं सो तो कई लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नए एरिया मिले हैं सो बेसिकली आफ्टर कोविड कोविड एक्चुअली हमने देखा कि ना बहुत सारे बिजनेस जो हैं घरों से स्टार्ट हुए हैं होम हाउस वाइफ्स ने अपने बेकरी शुरू करी है हाउस होम किचन होम शेफ्स बने हैं राइट सो so, उन लोगों के साथ में उन्होंने अपने बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिए लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ना उनका बिज़नेस बहुत लोकल था और लोकल होने के कारण यह था कि उनके पास डिलीवरी ऑप्शन नहीं थे उनके हस्बैंड जॉब करते थे तो so, डिलीवरी नहीं होने के कारण उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा था और हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी को देखा कि अगर हम इन लोगों को होम बेकर्स होम शेफ्स क्लाउड किचन बुटीक्स जो भी बिजनेसेस घर से चल रहे हैं अगर हम इनको डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं तो मतलब इट विल बी ए गुड फॉर देम आल्सो सो उनको एक बड़ा मार्केट मिलेगा सो so, हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी कुछ पाँच या छः होम बेकर्स के साथ में एक ट्रायल रन किया था लगभग छः महीने देखने के लिए फिजिबिलिटी की ये पॉसिबल है या नहीं तो वहाँ से उन छः महीने में हमको लगभग 30-35 होम बेकर्स की इंक्वायरी आ गई थी कि क्या आप हमारे लिए भी डिलीवरी करेंगे सो so हमने तब से लेके 2020 के बाद पोस्ट कोविड जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया आज आ, हम लगभग 300 से ज़्यादा होम बेकर्स के साथ में काम कर रहे हैं केवल होम बेकर्स, उनके अलावा काफ़ी सारी बुटीक्स हैं काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं काफ़ी सारे आ, ऐसे बिजनेस हैं जो बाहर से सामान मंगाते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोकल भोपाल में तो उनके लिए हमने सर्विस देना शुरू किया तो आज की डेट में हमारे पास में फीमेल बिज़नेसेस बिजनेस जो है फीमेल बिजनेस वेमेन एक्चुअली उनका काउंट अगर मैं कहूँ तो लगभग छः के आसपास होम बेस बिजनेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं सर मैं सर बात करूं कि जब आप ट्वेंटी में आपने अपना बिजनेस ओपन करते हैं आप ड्रॉन ड्रॉप जॉन तो कितना आपने मिनिमल अमाउंट के साथ में स्टार्ट किया था मिनिमम अमाउंट के साथ कि सेवेंटी टू सेवेंटी फ़ाइव के हमने एक लेकर चले थे कि सत्तर पचहत्तर हज़ार रुपये हमें लगभग तीन महीने चार महीने के लिए चाहिए सो so, हमने स्टार्ट वहीं से किया था ऑबियसली उसके बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुए कुछ एक्सपेंसिस बढ़े बट इनिशियल अमाउंट मैं कहूँगा कि हाँ सत्तर पचहत्तर हज़ार रुपये से हमने एक स्टार्टिंग की थी सर तो में एक आसान भाषा में बात अगर आपसे मैं पूछूँ कि जो आपका ड्रॉप जोन है जो लोग आप डिलीवर करते हो घर घर जाके तो क्या क्या डिलीवर करते हो या फिर ऐसा कुछ बताना चाहेंगे हमें जी सो ड्रॉप जोन में हम सब कुछ डिलीवर करते हैं सो ड्रॉप जोन में आपके केक्स हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की भूल जाने वाली कि मोबाइल चार्जर, पे चार्जर पे घर पे भूल गए लैपटॉप चार्जर घर पे भूल गए या मोबाइल ही भूल गए घर पे चाबी भूल गए डॉक्यूमेंट भूल गए तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम से मैं खुद निकला निकलाऊँ <laughs> तो मैं मेरे साथ ये होता था कि मैं कभी मोबाइल चार्जर भूल गया तो आधे दिन मोबाइल चला फिर उसके बाद में बंद हो गया मोबाइल तो ये वाली प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं केक हुआ कपड़े हुए खाना हुआ डॉक्यूमेंट्स हुए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हुए हम सब कुछ डिलीवर करते हैं जो भी बाइक से डिलीवर किया जा सकता हो या लोडिंग ऑटो के थ्रू डिलीवर किया जा सकता हो डिलीवरी चार्जेस क्या होते होंगे अगर हम बात करें तो सर हम देखिए भोपाल में बिकॉज भोपाल इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग मेट्रो सो जैसे मेट्रो में लोगों की स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है भोपाल छोटा शहर है स्पेंडिंग पावर थोड़ी कम है तो हमको जो चार चार्जेस जो रखे हमने प्राइजिंग जो रखी वो भोपाल के हिसाब से ही रखी सो so, यहाँ हम चार्ज करते हैं इनिशियली फाइव किलोमीटर्स के लिए हम फिफ्टी रुपीज़ चार्ज करते हैं और फिर एडिशनल ईच किलोमीटर के लिए हम टेन रुपीज़ चार्ज करते हैं मैं बात करूं कि ड्रॉप जोन को आगे के लेकर आपके क्या प्लान्स हैं और क्या सोच रहे हैं कि और भी कई जगह आपके जो ओपन करना चाहते हैं सो so, हमने भोपाल में स्टार्ट किया था दो साल पहले और uh, रिसेंटली हमने फेबररी में इंदौर में स्टार्ट किया सो so, अभी भोपाल में हमारी लगभग पच्चीस राइडर्स की टीम है और इंदौर में अभी हम सात राइडर्स के साथ में काम कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट थ्री ईयर्स वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट रायपुर नागपुर एंड अहमदाबाद सो एटलीस्ट फाइव सिटीज़ हम और प्लान कर रहे हैं कि हम अगले तीन साल में अपने आप को वहाँ पर देखते हैं अगर मैं पूछूँ कि इसे जर्नी के दौरान आपके फैमिली का कितना बड़ा योगदान रहा इस सफर में तो आप क्या बताना चाहिए फैमिली का योगदान फैमिली का ही सबसे बड़ा योगदान था देखिए ये आइडिया जो आया था ये मेरी वाइफ का आइडिया था बिकॉज मैं ये प्रॉब्लम जब देखता था मैं मैं कोई भी चीज़ भूल जाता था तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कोई सामान भेजना है या कभी उनको कुछ मंगाना है मैं ऑफिस में होता था तो वो मंगा नहीं सकते थे और मार्केट काफ़ी दूर होता था सो so, जब ये कोविड के बाद में ये प्रॉब्लम आई और जब हमने ये देखा तो ये एक आइडिया वहीं से आया था उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और इनिशियल डेज़ में उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी इसको करने में और ऑब्वियसली मैं आईटी प्रोफेशनल रहा हूं काफ़ी टाइम मैंने आईटी कंपनीज में जॉब किया है सो so, एक जॉब छोड़ के नया बिज़नेस शुरू करना एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है जिसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है फैमिली को संभालना फैमिली को एक्सपेंसेस uh, मैनेज करना अपने कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ा काम होता है तो so, फैमिली का तो मेरी वाइफ का मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने सपोर्ट किया कि आप करो हम हैं आपके लिए सर तो आपने कि आपने बताया कई कंपनी के साथ काम किया आपने थोड़ा सा so, अपने बारे में था जी सो बेसिकली मैंने स्टार्ट अपने भोपाल से ही किया था फर्स्ट uh, कंपनी मेरी भोपाल में थी और फिर उसके बाद में मैं उस लगभग तीन साल यू में रहा सो so, तीन साल यू में रहने के बाद में uh, जैसा मतलब हम सारे भोपालियों के साथ होता है होम सिकनेस सो मैं अभी वापस आ गया अपने बट uh, भोपाल नहीं आया मैं फिर इंडिया में ही था गुड़गांव में रहा मैं सो गुड़गांव में कुछ बड़ी फॉर्म्स के साथ में आई टी कंपनीज के साथ में काम किया बैंक ऑफ अमेरिका था डिलॉयट था देन दो साल वहाँ रहने के बाद में मैं हैदराबाद शिफ्ट किया सो so, हैदराबाद में वहाँ पे आ, कुछ कंपनीज़ में रहा सो तो, मेरी प्रीवियस कंपनी में मैं एज़ अ सीनियर मैनेजर था एंड देन फिर जब मैं भोपाल शिफ्ट हुआ उस समय मैंने होम वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन था मेरे पास में सो so, मैं भोपाल में शिफ्ट हुआ था 2018 में सो so, दो से लेके इवन बिफोर कोविड मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था उस समय पे, सो so, फिर जब ये कोविड आया तो कोविड के बाद में फिर हमने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया सर मैं बात करूँ कि आप एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी होगी तो अगर उस आईटी की अगर हम सैलरी देखें और आपके भी से जो आपके आपका बिजनेस है इसमें कितना अंतर है या फिर कितना टर्नओवर आप देखते हैं सालाना आ, सर आ, देखिए आ, सैलरी की अच्छी बात यही है कि एक आपके पास में मंथली इनकम होती है फिक्स इनकम होती है आप अपने खर्चे प्लान कर लेते सो so, मैं जो मेरी आई डोंट नो मुझे अपनी सैलरी बतानी चाहिए नहीं, बट हा इट वॉज अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट एक्चुअली इट वॉज इन लैक्स मतलब टू प्लस लैक्स मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो मेरी सैलरी हुआ करती थी जो प्रीवियस कंपनी में और यहाँ पर डेफिनेटली बिजनेस स्टार्टिंग फेज में है सो काफ़ी इन्वेस्टमेंट है काफ़ी uh, पैसा लग रहा है अभी भी हम मतलब uh, लगे ही हैं एक्सपैंड करने में सो हैव टू कंट्रोल माय एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं अपने एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं इस साल में हमने लगभग ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव लैक रुपीज़ का बिजनेस किया है विच इज़ फ्रॉम भोपाल ओनली इंदौर नहीं है उसमें इंक्लूडेड सो इंदौर आई थिंक नेक्स्ट ईयर में हम काउंट करेंगे तो वी आर सींग नेक्स्ट ईयर में विल क्लोज समवेयर वेयर फोर्टी पर है। प्रोसेस रहती है आपकी सर्विस से लेने की। जी, so, आ, हम लोग अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड की तरफ जा रहे हैं हमने अभी तक अपने आप को एप्लीकेशंस पे नहीं लेके आए हैं सो so, अभी और अ, मतलब बात वही है कि न, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, टारगेट कस्टमर्स भी जो है ना बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है हाउस वाइफ्स हैं या सीनियर सिटीजनस हैं जिनको इस सर्विस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है तो अभी हम एक मोड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम एप्लीकेशन पे जाएं या वेब एप्लीकेशन पे जाएं किस तरह से वो हमको करें बट अभी जो हमारा करंट है वो व्हाट्सएप बेस्ड एंड कॉल बेस्ड है सो कस्टमर कैन कॉल अस डायरेक्टली हमारे कॉल सेंटर पे एंड कैन बुक द ऑर्डर डिलीवरी एंड जब वो हमें कॉल करते हैं तो हम इमीडिएटली डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये कितना आपको चार्ज करने वाला है एंड बेस्ड ऑन द कन्फर्मेशन हम उनके डिलीवरी प्लान आपकी सवाल मेरा ये है कि इसे जो अब आप आपकी जो जर्नी रही अब तक की इस दौरान कहीं से आपको इन्वेस्ट आया या फिर गवर्नमेंट से किसी प्रकार की हेल्प या आपके पे थी आपको, पे आपको पे जो फ्रेंड सर्कल में कोई रहा जो इन्वेस्टमेंट किया हो आपकी कंपनी में इनिशियली uh, तो हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ कोशिश नहीं करी थी बिकॉज जब इन्वेस्टर आते हैं तो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सबिलिटीज़ के साथ आते हैं सो so, लेकिन जब हम थोड़ा सा स्टेबल हुए फिर हमने रीच आउट करना शुरू किया प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सो so, हमें फिर एक इन्वेस्टर यू से मिले जिन्होंने जो अभी हमारे वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक इन्वेस्टर इंडिया में है सो दे आर प्राइवेट पर्सनल इन्वेस्टर नॉट वेरी बिग इन्वेस्टर और गवर्नमेंट से अभी हमने कोशिश नहीं की है डेफ़िनेटली गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनको हम जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं अभी हमने उसको किया नहीं है बट डेफिनेटली इन नेक्स्ट कमिंग सिक्स मंथ्स विल गो टू द गवर्नमेंट आल्सो कि कुछ हमको एड मिलेगा कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे सो गवर्नमेंट इज डूइंग ल लॉट फॉर स्टार्टअप्स एंड वी होप कि हमें भी कुछ बेनिफिट्स वहाँ से मिलेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू